हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर फिल्म की स्टोरी लिखी है, समृद्धि पोरे फिल्म बेस्ड है, मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज। फिल्म के स्टार्स रहे कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की। साई तमहनकर फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वॉन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वॉन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वॉन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को दो अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहनकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहनकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है एआर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने
वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021, फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है, कंट्रीज की इंडिया, लैंग्वेज गाइड्स इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है, इस मूवी का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हट के मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पौरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पौरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने, इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26 जुलाई 2021,
फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो कि 2021 में आई इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार स्टोरी लाइन है इस मूवी का, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हटके मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर, फिल्म को रिटन किया है लक्ष्मण उतेकर, रोहन शंकर, फिल्म की स्टोरी लिखी है समृद्धि पोरे, फिल्म बेस्ड है मला आई वच्चे बाय समृद्धि पोरे, फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन जियो स्टूडियोज, फिल्म के स्टार्स रहे हैं कीर्ति सैनन, पंकज त्रिपाठी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है कास्ट की, साई तमहनकर, फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है आकाश अग्रवाल, फिल्म को एडिट किया है मनीष प्रधान, फिल्म को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है मैडडॉक ओरिजिनल्स जियो स्टूडियोज, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स ने। इस फिल्म की रिलीज डेट रही है 26th of July 2021। फिल्म का रनिंग टाइम 133 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया, लैंग्वेज गाइस इसकी हिंदी रही है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिनी को 2 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कीर्ति सैनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर त्रिपाठी। एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स मिनी रिसीव 6 नॉमिनेशन, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर रहमान एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर फॉर श्रेया घोषाल फॉर परम सुंदरी एंड वन 3 अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर सैनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर तमहानकर। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, मूवी को आप ज़रूर देखिएगा।